अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं। आज हमारा थोड़ा सा मोबाइल वो वाला हमारे पास नहीं है जिससे हम व्लॉगिंग करते हैं, आज दूसरे मोबाइल से व्लॉगिंग शूट कर रहे हैं। आज एक्चुअली जो है ना, ये अक्सर हमारे लिए जलेबियाँ लेके आई है। आज जुमेरात है, जुमेरात तो अक्सर बहुत सारे लोग जलेबियाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हमने सोचा आज अक्सर का व्लॉग बनाया जाए कि अक्सर हमारे लिए जलेबियाँ लेके आई है। क्योंकि हम ट्यूशन में ना पढ़ पढ़ के इतने थक गए होते हैं ना, तो हमें थोड़ी सी भी चीज़ ना बहुत अच्छी सी जमी सी लग रही होती है, और ना हम इसको पीसेस में डिवाइड कर लेंगे ताकि सारे बच्चों में ये हो जाए। अभी डिवाइड कौन करेगा, अक्सा खुद ही करेगी, मेरे तो हाथ ख़राब हो जाएंगे। अक्सा इसको तोड़ तोड़ के सबको दे देगी, लेकिन ये बड़ी बात है भाई, कोई डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कुछ भी टॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूट होती है, थोड़ा सा एक पढ़ने के बाद थोड़ा सा माहौल अच्छा हो जाता है ना बिलाल, पढ़ पढ़ के हम थक जाते हैं ना। यस, और एक और अंग्रेज हमारे उधर बैठे हुए, आई डोंट केयर, आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर, उसके बाद और एक नसरुल्ला एक्सपर्ट, इनकी इंग्लिश वाह भाई वाह। तो ये जो ना अक्सा जल्दी जल्दी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, अक्सा मेरी बहुत जीनियस स्टूडेंट है। मेरी जो ओल्ड स्टूडेंट है ना, जो बहुत 6-7 साल पुराने में, उसमें जो ना वस्ता और अक्सा अभी है, और आयान और उमैमा, इनके थोड़े से सालों में डिफरेंस है, लेकिन ये बहुत पुराने बच्चे अभी के बच्चों में, और अजवाद पुराना है जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट है ना, बाकी तो अक्सा अब नहीं हुआ है। उमर थोड़ा सा है पुराने स्टूडेंट्स में, वरना बाकी अब तकरीबन 2-2, 3-3 साल 4 साल तक है, इससे 6-6 साल तक ना, वस्ता को 7 साल हो गए मेरे पास पढ़ते हुए। जैसे हमारी मुन्नी अली से आती है ना, ऐसी वस्ता ही आती थी, वस्ता ऐसी रोती भी आती थी, रम्मामी है थप्पड़ टटा। अच्छा वस्ता का एक सीन बताऊँ, वस्ता ने ना एक दफ़ा ना ये रोती भी आई, अच्छा इरम मामी छोटी सी तो होती 2-2.5 साल की, इसको खूब फीडा वीडा पिला के लेके आती थी, इसको ये रोने लगी, मैं इसको पानी पिलाने लगी, इसने मेरे ऊपर ही कारनामा दे दिया, ऐसी ज़बरदस्त वॉमिटिंग की, अल्लाह, गिलास के अंदर, कॉपी के ऊपर, मतलब मैंने इस ट्यूशन में बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। इवन बच्चे यूरिन कर देते, अदीबा ने बहुत सीन्स करे ट्यूशन में, लेकिन मैं ना ऐसे बच्चों को अब रखती नहीं हूँ। तो ये हमारी प्यारी सी अक्सा ना सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, अक्सा भी वार जोन में चली गई है, यहाँ से आ जाएँ तो फिर करते हैं। इमाद के पेपर ख़त्म हो गए, ग्रैंड टेस्ट हो गए, इमाद बहुत रिलैक्स है, अरदान इसी वजह से नहीं आए। इमाद कैसे हुआ तुम्हारे ग्रैंड टेस्ट? इमाद कह रहा है शुक्र अल्लाह का ग्रैंड टेस्ट ख़त्म हो गए। असल जो रिज़ल्ट है ना, अजवाद का आना है, हमें रिज़ल्ट जो वेट होता है ना, अजवाद का, जामी का, अब्दुल्ला का, इनके रिज़ल्ट का हमें ज़्यादा वेट होता है। अच्छा लाइबा हफ्सा में ये है कि उमर अच्छा पढ़ता है, हफ्सा भी अब अच्छी हो गई है, लेकिन जो जहीन लाइबा है ना, उनकी हर चीज़ का हमें इंतज़ार होता है। अक्सा अनाबिया में, अक्सा माशाल्लाह शुरू से अच्छा पढ़ती है, लेकिन वो एक छोटी पिद्दी बैठी है ना अनाबिया, लेकिन अब माशाल्लाह अनाबिया अच्छा ग्रो अप कर रही है खुद से, जब से अक्सा हटी ना तो अनाबिया के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। हमारी वीडियोस को ऐसे लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, आपकी वजह से हमारा चैनल है, और हमारे बच्चे सारे एक्साइटेड रहते हैं। थैंक यू।